केंद्रीय मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रामगढ़ जाने के क्रम में उरमांझी में मंडल अध्यक्ष के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता किया। नाश्ता का स्वाद लेने के अलावा झारखंड की गठबंधन सरकार को सत्ता से बाहर करने का संकल्प व्यक्त किया। कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। अद्भुत प्रदेश है झारखंड और इसमें जबरदस्त सामर्थ्य है। इसी संकल्प के साथ अपने कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। इसे मिलके मन आनंद से भर गया और ये नाश्ता करके मैं तृप्त हो गया। अद्भुत कार्यकर्ता हमारे सहज सरल परिश्रमी, इन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर हम यहाँ भाजपा की सरकार बनाएंगे। यह है कि असली चेंज होगा विधानसभा के चुनाव में। भ्रष्ट बेईमान अराजक सरकार जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश रामगढ़ से जुड़े हमारे साथ, सीधा उनका रुख करते हैं। देखिए, आज दो दिवसीय दौरे पर जो है बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह पहुंचे हुए हैं और उनका बीजेपी के जिला स्तरीय बैठक में भी जो है वो मौजूद है, शामिल है। जो बैठक चल रही है उसे लेकर अभी फिलहाल कुछ बातें, क्या कुछ जो है बैठक में बातें चल रही है? देखिए, जो दायित्व तो शिवराज सिंह चौहान को मिला है वह यह है कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को बहुमत दिलाना और बीजेपी के साथ साथ आजसू जो एनडीए का पार्टनर है उसे बहुमत दिलाना। वैसे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र तो आजसू के पाले में है फिलहाल और विधानसभा चुनाव भी 2-3 महीने 4 महीने के बाद होने वाले हैं। इस लिहाज से उनका यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जगह पे भाजपा की जो जिला इकाई है उसको किस प्रकार से संगठित रखना है, कैसे उसको एक्टिव रखना है ताकि विधानसभा चुनाव में भले सीट आसू के खाते में जाए या फिर बीजेपी के खाते में जाए ये तो बाद में तय होगा, लेकिन संगठन मजबूत रहे यह प्रयास सभी का है और शिवराज सिंह चौहान यही इसी का मूल्यांकन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यही बीजेपी का जिला कार्यालय है, मेन रोड पर 4 लेन पर हजारीबाग रास्ते में जो है ये रामगढ़ का जिला कार्यालय है। बड़ा भव्य है, यहीं पे बैठक अभी चल रही है। इसके बाद एक और बैठक होगी जिसमें सारी चीजें चर्चा होगी। तो मूल रूप से शिवराज सिंह चौहान जो उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संगठन का बड़ा अनुभव है, फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं और यहाँ का दायित्व है, इसलिए ये वो अपने अनुभव को भी शेयर कर रहे हैं कि कैसे हमें विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के बलबूते पर यहाँ पर संगठन को मजबूत करते हुए और विधानसभा चुनाव में हमें जीत हासिल करनी है ताकि यहाँ पर भी सरकार बन सके। संगठन ही काम करता है, चूंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं तो एक संगठन का स्वरूप तो पहले से तैयार है, लेकिन आप जाने कि ये रामगढ़ जो है वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जीते हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मेहनत इसमें शामिल है, इसलिए ये बैठक जो है इस दिशा में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टनर के लिए भी हमें तैयार रहना है, यानी एनडीए के जो अलायंस पार्टनर है उन्हें उनको भी जिताने के लिए हमें तैयार रहना है। तो जिला स्तरीय ये बैठक चल रही है और इसमें जिला अध्यक्ष हैं, कुछ प्रदेश पदाधिकारी हैं, सभी को यह बताया जा रहा है कि हमें बूथ स्तर पर कैसे तैयारी करनी है और जहाँ कहीं कोई कमी हो उसे कैसे दूर करना है और जल्द से जल्द दूर करना है ताकि विधानसभा चुनाव में इसके अच्छे परिणाम सामने आ पाए। अनुष्का, बिल्कुल राजेश, देखिए ये बैठक अभी भी चल रही है और शाम में भी बैठक होने वाली है, तो कहीं ना कहीं जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसे लेकर और जाहिर सी बात है कि रणनीति बनाई जा रही है। चुनाव प्रभारी जो है बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को, तो वो अपना जो है दायित्व निभा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं कि आगे चलकर क्या कुछ जो है सही ढंग से हो कि जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए। अब आगे शाम में भी बैठक होगी, उसमें क्या कुछ बातें होती है वो जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।